यो गेमर्स, तो आप लोग को भी बनाना है एक परफेक्ट गेमिंग एंड एडिटिंग पीसी, बट आप ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, आपका एक टोटल बजट है 30K, तो जरूर से ये पीसी आप अपने कंटेंट क्रिएशन या फिर और भी कोई काम के लिए बिल्ड कर रहे होंगे। तो इस चीज को देखते हुए मैं ये बिल्ड लाया हूँ जो आपको फ्यूचर प्रूफ ही रखेगा, तो वीडियो एंड तक देखना। चलते हैं अपने बिल्ड की तरफ। सो प्राइस हाइक के कारण AMD प्लेटफॉर्म के CPUs के प्राइस बहुत होने की वजह से मैंने ये बिल्ड इंटेल प्लेटफॉर्म पर रखा हूँ। तो हमारा पहला कंपोनेंट आता है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर में मैंने इंटेल कोर i3 10th जेन प्रोसेसर लिया जो कि 4 कोर 8 थ्रेड के साथ आता है, जिसकी स्पीड है मिनिमम 3.6 GHz और बूस्ट 4.3 GHz। 6 MB का कैच मेमोरी के साथ आता है एंड इसकी 65W TDP है और ये LG 1200 सॉकेट को सपोर्ट करता है। अगर मैं इसकी MRP की बात करूँ तो ये टोटल 8,555 का पड़ेगा। तो गाइस, प्रोसेसर को लगाने के लिए अब हमें चाहिए होगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मैंने लिया है MSI का H510M जो कि LGA 1200 सॉकेट के साथ आता है। इसमें टोटल 2 RAM स्लॉट्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं 3200mAh की RAM को, 1 PCI Express M.2 स्टोरेज का सपोर्ट के साथ 5949 के प्राइस पे ये आता है। अब चलते हैं रैम पे। तो अपने पास XPGA डाटा का गैमिक्स D30 DDR4 3200mAh की 8GB की सिंगल स्टिक टोटल 2899 की है। तो स्टोरेज के लिए मैंने लिया है 1 TB का इंटरनल हार्ड ड्राइव जो कि आता है सेकेंड पैराक्रूटा की तरफ से। इसकी प्राइस की बात करें तो ये Amazon पे 3199 की इजिली आपको मिल जाएगी। अब पावर सप्लाई में मैंने लिया एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला VS500L जो कि टोटल 500 वॉट का पावर सप्लाई है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 2125 की ये आपको टोटल पड़ेगी। पूरे पीसी को असेंबल करने के लिए मैंने लिया है कैमडियास का ऑर्गस E4 मिड टावर पीसी कैबिनेट जो कि टोटल 2999 में आता है। इसमें कोई भी RGB फैन इंस्टॉल नहीं है, सिर्फ फ्रंट पैनल पे इसमें RGB स्ट्रिप की आपको सपोर्ट मिलेगी। इंटेल के 10 जन के ग्राफिक कार्ड्स में इंटीग्रेटेड ग्राफिक ना होने की वजह से हमको डिस्प्ले के लिए एक ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा, जिसमें मैंने लिया है जोटेक का GT710 2GB वेरिएंट। बजट कम होने की वजह से मुझे ये कार्ड लेना पड़ा। इसकी टोटल प्राइस की बात करें 4490 का ये पड़ेगा। और अब अगर हम पूरे बिल्ड के प्राइस बताएं तो ये 30,206 की टोटल अपने को पड़ेगी। अगर आप इसमें एक SSD भी लगाते हैं तो ये आपको टोटल 32,000 तक की पड़ जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।